दोस्तों, मैं अनिल सैनी अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंश्योरेंस में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही इंश्योरेंस से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण आपके लिए लेके आया हूं। आज मैं आपको कंज्यूमेबल कवर के बाद में जो एक और जो टॉपिक बच रहा था मेरा, वो था इंजन प्रोटेक्ट। तो आज मैं आपको इंजन प्रोटेक्ट के बारे में बताता हूँ, इंजन प्रोटेक्ट का हम कैसे लें, है ना, या फिर इंजन प्रोटेक्ट जो हम पॉलिसी कराने जाएं तो किस समय और किस तरह से उसको ऐड ऑन कराएं अपनी पॉलिसी में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पॉलिसी लो तो सबसे पहले इंजन प्रोटेक्ट अपनी गाड़ी में ऐड ऑन करा ही लेना, क्योंकि नॉर्मल सी बेसिकली बात है कि जब जैसे ही हम पॉलिसी कराने जाते हैं तो हम फर्स्ट पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं, भैया आप तो हमारा फर्स्ट पार्टी बीमा कर दो, है ना। फर्स्ट पार्टी के बाद में बीमा करा लिया, हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का बारे में पता नहीं रहता है कि जब हम बीमा तो कराते हैं लेकिन हम किस चीज़ का बीमा करवा लेते हैं। सबसे पहले जब आप बीमा कराने जाते हो तो अपनी बॉडी का बीमा करवा लेते हो, दिल डिप्रिसिएशन बीमा का बॉडी का कवर हो गया आपका। लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी खड़ी हुई है कहीं पर और बाढ़ या अचानक या कोई नदियों से पानी बह के आपकी गाड़ी के अंदर, या आपकी गाड़ी कोई ढलान वाली ऐसी जगह पे खड़ी है यहाँ पानी का भराव होता है, और उस समय आपकी गाड़ी में अगर पानी चला जाए, है ना, तो फिर आपकी गाड़ी का बॉडी को तो नुकसान उससे नहीं होगा, लेकिन आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप उस इंजन की रिकवरी कैसे कर पाओगे, उस इंजन के गाड़ी के इंजन की रिकवरी जब कर पाओगे, जब आपकी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्ट हो। बेसिकली जब भी गाड़ी का अंदर पानी जाता है तो इंजन बेसिकली डैमेज हो ही जाता है। इंटरनली गाड़ी के अंदर अगर पानी गया या इंजन के अंदर पानी गया तो फिर आपका ये मान लीजिए कि इंजन प्रोटेक्ट ही एकमात्र सहारा है। इसके अलावा आप नील डिप्रिसिएशन में भी आपका उससे कोई काम होना नहीं है, क्योंकि जब तक आपका इंजन प्रोटेक्ट नहीं है, पानी भरा, जब भी आपकी गाड़ी का पानी भराया है गाड़ी के अंदर, तो फिर आपको इंजन प्रोटेक्ट ही उसके लिए आपको फायदेमंद रहेगा, वही आपकी गाड़ी में काम कराएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक जानकारी, छोटी सी जानकारी आपके साथ लेके आया हूँ, छोटी सी है लेकिन आपको बहुत बड़ी, जो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपको लाखों रुपए का खर्च हो सकता है, उससे बचाने के लिए मत मेरे छोटी सी वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखें, है ना, तो इससे आपको और भी तरीके की जानकारियाँ इससे मिल जाएंगी। इंजन प्रोटेक्ट जब हम ले लेते हैं तो जैसे कि चलती गाड़ी में हमारा इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसकी कैमशाफ्ट टूट गई, पिस्टन खराब हो गए, है ना, हेड फट गया, ब्लॉक फट गया, तो ये ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती है वो अपना इंजन प्रोटेक्ट में वो चीज़ें अपनी काम में आ जाती हैं। तो जैसे ब्लॉक फटा, क्रैंक साफ फटी, है ना, इंजन फट गया आपका, या कोई भी चीज़ हो गई, तो आपके लिए वो इंजन प्रोटेक्ट एक बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जब भी कोई गाड़ी का बीमा कराओ, या अपनी गाड़ी का बीमा कराओ, या अपनी दोस्त या फैमिली या फ्रेंड या किसी में भी किसी का भी आप बीमा कराएं, तो सबसे पहले आप जब बॉडी का बीमा लेते हो तो उसके साथ में इंजन प्रोटेक्ट का आवश्यक ले लें, जिससे आपको जो आने वाला जो इन फ्यूचर जो कोई ज़्यादा बड़ी क्षति होगी या आपका फालतू का खर्चा होगा, उससे आपको बहुत रिकवरी होगी, है ना। तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल स्मार्ट इंश्योरेंस से, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।